Hey guys, Nawazir from the Nerdhaunt.com और ये है The Mandalorian Season 2 Episode 7 का recap. पिछले episodes के recap के लिए description box में दिए गए links को check करें. तो as expected, Episode 7 एक filler episode था. But don't worry, Episode 2 की तरह एकदम ही unrelated side quest नहीं, बल्कि ये वाला episode main story से ज्यादा connected था. पिछले episode में हमने देखा कि Moff Gideon की ship को track करने Mando को Mayfeld की मदद लगेगी, क्योंकि Mayfeld पहले एक Imperial था. एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैदी नंबर 34667 AKA मिक्स मेफेल स्टार फाइटर का मलबा छानते हुए अपनी सजा काट रहा है. तभी वहां पर न्यू रिपब्लिक का सिक्योरिटी ड्रॉइड आकर उसे मार्शल कारा डून से मिलवाता है. कारा मेफेल को अपनी कस्टडी में लेकर उसे नए जॉब के लिए लेकर जाती है. फिर स्लेव वन शिप के पास पहुंचते ही मेफेल की मुलाकात बोबा फेट, फेनिक शैन और डिनजारिन से होती है. ओह बाय द वे, बोबा फेट ने अपने आर्मर को रीपेंट करके मस्त एकदम चकाचक बना दिया. मैंडो मेफेल्ड को बताता है कि उन्हें मॉफ गिडियन की शिप को ट्रैक करके बेबी योडा को ढूंढने में उसकी मदद चाहिए, जिसके बदले मेफेल्ड को बेटर व्यू मिलेगा. मॉफ गिडियन की शिप के कोऑर्डिनेट्स हासिल करने मेफेल्ड को इंपीरियल टर्मिनल का एक्सेस चाहिए. मेफेल्ड के हिसाब से प्लैनेट मोराग पर ऐसा एक इंपीरियल टर्मिनल इन्हें मिल सकता है जहां इंपीरियल सीक्रेटली माइनिंग का काम कर रहे हैं. मोराग पर पहुंचकर बोबा फेट अपनी शिप की मदद से इंपीरियल्स की राइडोनियम रिफाइनरी को ढूंढ लेता है. राइडोनियम ईंधन या फिर एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम आता है. इनका प्लान है कि इंपीरियल के जगरनॉट को हाईजैक करके उनके बेस में घुस जाना. बट प्रॉब्लम यह है कि ये फैसिलिटी एक्स इंपीरियल सिक्योरिटी ब्यूरो या फिर ISB के अंडर आती है. अगर गलती से इनमें से किसी मेंबर का जेनेटिक सिग्नेचर इंपीरियल के बैड रिकॉर्ड्स में रहा तो सारे मारे जाएंगे. कारा डून, फेनिक शैन और बोबा फेट सारे के सारे ISB के हिट लिस्ट में है. मतलब बचे बस मैंडो और मेफेल्ड. मैंडो मेफेल्ड को अकेले नहीं जाने देगा और मेफेल अपने साथ किसी मंडलोरियन को अंदर नहीं लेके जा सकता. इसीलिए ये डिसाइड होता है कि ये दोनों जगरनॉट के पायलट्स को मारकर उनका आर्मर पहनकर अंदर घुसेंगे. इधर से इन्होंने हिंट देना शुरू कर दिया था कि जल्द ही डिनजारिन अपनी शक्ल दिखाने वाला है. अपनी टीम की मदद से मैंडो और मेफेल जगरनॉट को हाईजैक करके इंपीरियल की बेस की ओर निकलते हैं. तो दूसरी तरफ डून और शैन ऊपर जाकर इंपीरियल गार्ड्स पर नजर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये दोनों उनकी भागने में मदद कर सके. सफर के दौरान मेफेल्ड अपना हेलमेट निकालकर मैंडो के नए हेलमेट का मजाक उड़ाने लगता है. यार तुम मैंडलोरियंस हेलमेट में बने इस अजीब से कट से देखते कैसे हो? सीरियसली मुझे भी यही क्वेश्चन है. फिर एक इंपीरियल ऑफिसर ने कांटेक्ट करके बताता है कि जगरनॉट में रखे राइडोनियम के टेम्परेचर पर ध्यान रखना और गाड़ी जरा धीरे चलाना. रिफाइनरी को जाते वक्त रास्ते में इन्हें कुछ लोकल लोग दिखते हैं. मेफेल्ड के हिसाब से इन लोगों के लिए इंपीरियल्स, न्यू रिपब्लिक सब एक जैसे हैं, जो जबरदस्ती इनके एरिया में घुसा है. जो लोग लड़ाई में इंपीरियल्स और न्यू रिपब्लिक के लिए अपनी जान दे रहे थे, मेफेल्ड को उन पर भी काफी दया आती है. इवन मैंडलोर पर चले कॉन्फ्लिक्ट में भी बहुत सारे लोग बेवजह मारे गए थे और अपनी मर्जी के बिना ही लड़ाई का हिस्सा बन गए. मेफेल्ड का मानना है कि वो और मैंडो एक जैसे हैं, सर्वाइवर्स. बट ये सुनकर मैंडो इसे फौरन टोक देता है कि भाई मुझे अपने आप से कंपेयर मत करना, मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता. वेल टेक्निकली वो फिलहाल स्टॉर्म ट्रूपर के आर्मर में बैठा है, तो भाई कौन से रूल की बात हो रही है? दिस इज द वे का मतलब कौन सा वे? अपना मैंडलोरियन आर्मर नहीं निकालना या फिर बस अपना चेहरा नहीं दिखाना? क्योंकि दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं. मैंडो भी मेफेल्ड की तरह ही समय आने पर अपने रूल्स को बेंड कर देता है. सो बेसिकली दोनों एक जैसे हैं, सर्वाइवर्स. मैंडो शॉक्स, मेफेल्ड रॉक्स. तभी इन पर वहां के लोकल पायरेट्स का हमला होता है जो ऑलरेडी कुछ जगरनॉट्स को उड़ा चुके हैं. पता नहीं ऐसे कौन से पायरेट्स हैं जो लूटने से पहले अपना माल उड़ा देते हैं. एनीवेज, एक ऑन द रोड एक्शन सीक्वेंस सीन के बाद मैंडो और मेफेल्ड किसी तरह रिफाइनरी पहुंच जाते हैं. पायरेट्स ऑलमोस्ट इन्हें बमबारी करके उड़ाने वाले थे कि तभी समय रहते स्टॉर्म ट्रूपर्स और टाई फाइटर्स ने इन्हें बचा लिया. फर्स्ट टाइम इंपीरियल फोर्सेस वालों ने हीरोइक एंट्री मारी होगी. रिफाइनरी पहुंचकर ये लोग टर्मिनल को ढूंढ लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टर्मिनल के पास ही वेलिन हेस नामी ऑफिसर बैठा है. मेफेल्ड किसी जमाने में इस बंदे के लिए काम करता था और उसे डर है कि शायद वो इसे देखकर पहचान ले. फिर ये डिसाइड होता है कि टर्मिनल को एक्सेस करने मैंडो जाएगा, बट इसके लिए मैंडो को अपना हेलमेट उतार कर फेस स्कैन करवाना पड़ेगा. फाइनली डिनजारिन अपना फेस स्कैन करके टर्मिनल से मॉफ गिडियन की शिप के कोऑर्डिनेट्स निकालता है, बट वापस लौटते वक्त ऑफिसर वेलिन उसे रोक लेते हैं. डिनजारिन की आइडेंटिटी जानने वेलिन इससे उसका TK नंबर पूछता है. समय रहते मेफेल्ड आकर मैंडो का कवर ब्लो होने से इन्हें बचा लेता है. सरप्राइज सरप्राइज, वेलिन ने इसे नहीं पहचाना. चलो एटलीस्ट मैंडो की शक्ल तो दिख गई. अब क्योंकि ये दोनों पायरेट से लड़कर सक्सेसफुली राइडोनियम को अंदर लेकर आए थे, वेलिन इन्हें ड्रिंक ऑफर करता है. यहां मेफेल्ड वेलिन को ऑपरेशन सिंडर की याद दिलाता है. द मैंडलोरियन सीरीज में डार्क ट्रूपर्स के बाद वीडियो गेम्स वाला ये सेकंड रेफरेंस देखा हमने. माना कि ऑपरेशन सिंडर फर्स्ट टाइम शैटर्ड एम्पायर नॉवेल में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट ये बैटलफ्रंट 2 का बड़ा हिस्सा रहा है. जेडाई फॉलन ऑर्डर का भी तो कोई कनेक्शन नहीं फिनाले के साथ. इसी ऑपरेशन सिंडर के वक्त मेफेल्ड ने अपने सारे डिवीजन को खो दिया था, जिसमें हजारों लोगों की जाने गई थी. वेलिन के हिसाब से एम्पायर की शान में वो एक छोटी सी कुर्बानी थी. सारे शहीदों को एम्पायर ने हीरो का दर्जा दे दिया,
मैंडो समझ जाता है कि भाई ये मेफील्ड कोई बड़ा झोल मारने वाला है। तभी मेफील्ड वेल इनकी बातों से गुस्सा होकर उसे ब्लास्टर से शूट कर देता है सत्यानाश। फिर ये दोनों कारा और शैन के कवर फायर की मदद से बाल बाल बचकर भाग जाते हैं। भाई इस मोमेंट तक बोबा फेट का काम बस स्लेव वन को उड़ाना ही था। स्लेव वन में घुसने के बाद मेफील्ड साइक्लर राइफल की मदद से रिफाइनरी में रखे राइडोनियम को उड़ा देता है ताकि ये लोग इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। मेफील्ड के इस शॉट को देखकर सब लोग उससे काफी इंप्रेस होते हैं। रिफाइनरी तो उड़ गई बट फिर दो टाई फाइटर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। वेल बोबा फेट के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। बोबा स्लेव वन में लगे सिस्मिक चार्ज की मदद से दोनों टाई फाइटर्स को उड़ा देता है। काफी सैटिस्फाइंग सीन था। ये लोग समझ जाते हैं कि यार मेफील्ड इतना भी बुरा इंसान नहीं है। उनकी मदद के बदले कारा डून मेफील्ड को आजाद कर देती है और रिकॉर्ड्स में लिखती है कि रिफाइनरी में हुए धमाके में मिक्स मेफील्ड मारा गया। फिर ये मेफील्ड को वहीं मोराग पर छोड़कर गुरुगु को छुड़ाने निकल पड़ते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि मैंडो मॉफ गिडियन के लिए एक स्पेशल मैसेज भेजता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉफ गिडियन ने निवारो पर डायलॉग बाजी की थी। मैंडो उसे बताता है कि गिडियन नहीं जानता कि ग्रोगु उसके लिए कितना मायने रखता है और जल्द ही ग्रोगु वापस मैंडो के पास होगा। भाई डायलॉग बाजी तो एकदम कूल है। होपफुली फिनाले में कोई ट्रेजेडी ना हो, समझ रहे हो ना? आपको क्या लग रहा है ग्रोगु सीइंग स्टोन पर बैठकर किस जेडाई के साथ कम्युनिकेट कर रहा था? एज़रा, लुक स्काईवॉकर या फिर जेडाई फॉलन ऑर्डर वाला कैल कैस्टिस? Alright, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन। द मैंडलोरियन, स्टार वॉर्स और दूसरे पॉप कल्चर शो से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदने के लिए redwolf.in वेबसाइट को विजिट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।